हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट में जीवों में जनन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर 3 वीडियो पड़े हैं, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन पौधों में कायिक जनन के नाम से जाना जाता है। पौधों में जो कायिक जनन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरे को बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। ओके, प्राकृतिक कायिक जनन को नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं, और कृत्रिम कायिक जनन को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, मैंने इसके एग्जांपल भर भी बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन के बारे में, तो आइए चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, कृत्रिम कायिक जनन कई प्रकार का होता है। ओके, तो इसमें पहला है कलम विधि। आपने देखा होगा कि गुलाब का जो पौधा होता है उससे हम थोड़ा सा कलम लगाकर नया गुलाब का पेड़ लगा लेते हैं, तो यही है कलम विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में हम पौधों की किसी शाखा काटकर उसमें कलम बनाकर ज़मीन में गाड़ देते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा कि गुलाब का पौधा होता है उसमें से हम एक पौधे की शाखा से कलम निकालते हैं और उसको ज़मीन में लगा देते हैं तो नया गुलाब का पौधा बन जाता है, तो यही क्या है, कलम विधि। आइए हम दूसरे विधि पर बात करते हैं। दूसरा है दाब लगाना या दाब विधि। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी पौधे की एक शाखा को पकड़ लेते हैं और उसको ज़मीन में दबा देते हैं। तो जो शाखा दबाते हैं वो ज़मीन में दबाने के बाद उससे कुछ जड़ें निकलने लगती हैं, उससे नया पौधा बन जाता है। ओके, तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी पौधे के किसी शाखा को काटकर या बिना काटे ज़मीन में दबा देते हैं और यह ज़मीन के अंदर जड़ उत्पन्न करता है और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, इसी को बोलते हैं दाब विधि या दाब लगाना। ओके, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक पौधा था तो इसकी एक शाखा ये थी, तो हमने क्या किया, इस शाखा को पकड़ा और ज़मीन में दबा दिया और यहाँ पर देखिए एक क्लिप लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर देखिए रूट निकलने लगा, इससे ये नया पौधा उत्पन्न हो गया, दिख रहा है, तो ये है दाब विधि। ओके, आइए आगे बात करते हैं। अब दोस्तों, एक नया तरीका मनुष्यों के द्वारा खोजा गया है जिसको कृत्रिम कायिक जनन भी कहते हैं, वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन। तो आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। यह मानव के द्वारा पौधों में जनन कराने की विधि है। जो माइक्रो प्रोपागेशन अर्थात सूक्ष्म प्रवर्धन है, वो मानव के द्वारा पौधों में जनन कराने की विधि है। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के द्वारा हम किसी पौधे के ऊतक के द्वारा संपूर्ण पौधा उत्पन्न
कराते हैं, जैसे गाजर में। ओके, तो सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपागेशन क्या है? इसमें हम किसी पौधे का एक ऊतक ले लेते हैं, एक टिश्यू ले लेते हैं और उसको एक मीडियम में अच्छे से ग्रो कराते हैं, और जब ये ऊतक और अच्छे से ग्रो हो जाता है तो उसको हम निकाल कर ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो उससे नया पौधा बन जाता है। तो आइए हम इसके विधि पर ही बात करते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कराने की विधि। तो आइए मैं आपको एक एक विधि अच्छे से बताता हूँ। तो पहला स्टेप क्या है, मतलब पहला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले होता है पौधों से ऊतक निकाल कर उसे कृत्रिम पोषक माध्यम में रखेंगे। जैसे ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, कोई ऊतक को निकाल लेंगे। ऐसे छोटा सा कोई ऊतक होगा, उसको हम निकाल लेंगे। अब इस ऊतक को हमको जिंदा रखना है तो इसको खाना पीना देने पड़ेगा, इसको कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट मटेरियल देना होगा जिससे ये जीवित रहे। तो इस ऊतक को हम निकालते हैं और एक माध्यम में जिसमें सब कुछ हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सारे पोषक पदार्थ जिसमें हो, उसमें हम इस ऊतक को रख देते हैं, जिससे यह ऊतक जो होता है वो धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है। जब धीरे धीरे वृद्धि करेगा तो ये अपने नंबर को भी बढ़ाएगा। जैसे जैसे नंबर वो बढ़ाएगा तो ये जो ऊतक है वो एक ग्रुप में आ जाता है, मतलब एक समूह बना लेता है, उसको हम कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। तो ये देखिए इसमें लिखा है विभाजित कोशिकाओं का समूह। तो ये जो ऊतक है वो विभाजित होने लगा और एक ग्रुप बना लिया, उसको हम बोलते हैं कैलस। ओके, तो ये देखिए कैलस है। अब इस कैलस को क्या करते हैं, इस कैलस को निकालते हैं और किसी अन्य माध्यम में जिसमें हार्मोन युक्त कृत्रिम पोषक माध्यम होता है उसमें रख देते हैं। तो देखिए ये एक माध्यम था जिसमें हार्मोन्स भी थे और कई सारे अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल थे, तो हमने क्या किया, इस कैलस को यहाँ से निकाला और इस वाले में डाल दिया। जब इस वाले में डाल दिया तो क्या हुआ, यहाँ से कुछ शाखाएँ निकलने लगी, कुछ ब्रांचेज, देखिए आपको दिख रहा होगा ये कुछ ब्रांचेज निकल रही हैं। ओके, और ये जो ऊतक है वो क्या करेगा, हार्मोन को भी लेगा, इम्पॉर्टेंट मटेरियल को भी लेगा, जिससे कि इसकी शाखाएं धीरे धीरे बढ़ती रहें। ओके, अब आइए तीसरे स्टेप को देखते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है, इन शाखाओं को अलग निकाल कर अलग अलग पोषक माध्यम में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये कैलस है, इससे बहुत सारी एक दो तीन शाखाएं निकल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों शाखाओं को निकाल लेंगे और अलग अलग पोषक माध्यम में रख देंगे। तो देखिए एक में ये रख दिया, दूसरा इसमें रख दिया, तीसरा इसमें रख दिया। ओके, ये देखिए एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। अब इन तीनों पौधों को अगर हम निकाल कर किसी अच्छे स्थान पर लगा देंगे तो ये पौधा हमारा बहुत अच्छे से वृद्धि कर जाएगा। तो देखिए स्टेप फोर क्या है, अब इन पौधों को निकाल कर उपर्युक्त स्थान पर लगा देते हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। ओके, तो ये देखिए ये पौधे को हमने निकाला और यहाँ पर लगा दिया और देखिए ये हमारा पौधा बड़ा हो गया। ओके, तो यही है हमारा माइक्रो प्रोपागेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। इसमें क्या करते हैं, किसी पौधे का ऊतक निकाल लेते हैं। देखिए ये कोई पौधा था, उसका हमने क्या किया, उसका हमने ऊतक निकाल लिया। ऊतक निकालने के बाद हमने उसको कृत्रिम पोषक माध्यम में रख दिया। क्यों रखा, इसलिए रखा ताकि वो हमारा ऊतक जिंदा रहे और वो अपना भोजन लेता रहे। उसके बाद जब वो ऊतक हमारा विभाजित होता है तो वो कई सारे समूह को बनाता है जिसको हम कैलस कहते हैं। अब इस कैलस को हम उस माध्यम से निकालते हैं और दूसरे माध्यम में डालते हैं जहाँ पर हार्मोन्स होते हैं और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है। और इस कैलस में क्या होता है, धीरे धीरे शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। अब इन शाखाओं को क्या करते हैं, इन शाखाओं को अलग अलग कर लेते हैं और इनको अलग अलग पोषक माध्यम में डाल देते हैं।
अलग अलग पोषक माध्यम में डाल देंगे तो क्या होगा, नया पौधा हमारा बन जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये नया पौधा हम बना ले रहे हैं। आइए दोस्तों सूक्ष्म प्रवर्धन अर्थात माइक्रो प्रोपागेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है जो एक पूरे साइकिल में दिख रहा है, यही हम स्टेप को फॉलो करेंगे और इससे हमारा पौधा जो है वो ग्रो कर जाएगा। देखिए यहाँ पर एक गाजर है अर्थात कैरेट है, हमने क्या किया इस कैरेट से एक्स प्लांट निकाला जिसको हम ऊतक के नाम से भी जान सकते हैं। हमने इस ऊतक को एक माध्यम में रखा जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, अर्थात वो सारे इम्पॉर्टेंट मटेरियल पड़े हुए हैं जो इस एक्स प्लांट अर्थात ऊतक को वृद्धि कराने के लिए आवश्यक हैं। ये ऊतक जो है वो इस माध्यम अर्थात इस मीडियम से अपना भोजन लेगा, अपने आकार को बढ़ाएगा और अपने नंबर को बढ़ाएगा और तब हम इसको बोलेंगे कैलस। क्या बोलेंगे? कैलस। और यही कैलस को हम यहाँ से निकालेंगे और दूसरे माध्यम में रखेंगे तो वहाँ पर ग्रो होगा और इम्ब्रियो बना लेगा। अब इस इम्ब्रियो को हम किसी दूसरे माध्यम में रखेंगे तो ये इम्ब्रियो हमारा ग्रो कर जाएगा और उससे एक प्लांटलेट बन जाएगा अर्थात हमारा पौधा बन जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा माइक्रो प्रोपागेशन अर्थात सूक्ष्म प्रवर्धन। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसकी पहले डेफिनेशन जानते हैं फिर एग्जांपल बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस जनन में दो भिन्न लिंगों वाले जीवों की आवश्यकता होती है। ओके, इसमें लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो भिन्न लिंगों वाले जीवों की आवश्यकता होती है, इससे उत्पन्न शिशु अपने जनकों के समान नहीं होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है देखिए, एक होता है हमारा नर भाग, दूसरा होता है मादा भाग। नर भाग को इंग्लिश में मेल पार्ट बोलेंगे फीमेल, और मादा भाग को फीमेल पार्ट बोलेंगे। नर भाग जो होगा वो नर युग्मक अर्थात मेल गैमेट को बनाएगा और मादा भाग मादा युग्मक अर्थात फीमेल गैमेट को बनाएगा। जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास में आते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, निषेचन के परिणाम स्वरूप अर्थात जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाएंगे तो हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट जिसको युग्मनज कहते हैं। इसमें होगा विभाजन तो हमारा नया शिशु बन जाएगा। आइए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए ये है हमारा मेल और ये है फीमेल। मेल अर्थात नर, फीमेल अर्थात मादा। नर ने क्या बनाया, स्पर्म बनाया अर्थात शुक्राणु बनाया। मादा ने क्या बनाया, एग बनाया अर्थात अंडाणु बनाया। जब स्पर्म अर्थात शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो वो एक दूसरे को फर्टिलाइज कर देते हैं अर्थात निषेचित कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहते हैं और इस प्रोसेस द्वारा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको जाइगोट कहा जाता है अर्थात युग्मनज कहा जाता है। देखिए यन प्लस यन जब मिलेंगे तब बनेगा 2n, तो जाइगोट कैसा है हमारा 2n है। और स्पर्म और एग कैसे हैं, यन है, और जब ये मिलेंगे तभी तो 2n बनेगा। ओके, तो स्पर्म और एग जब एक दूसरे के पास आते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस के द्वारा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट होता है हमारा 2n। अब इस जाइगोट में होता है विभाजन, और कौन सा विभाजन होगा, माइटोसिस होगा, जिससे बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। देखिए मास ऑफ सेल्स, और ये सभी सेल्स डिफरेंशिएट होंगे और एक बच्चे को बना देंगे अर्थात ऑफस्प्रिंग को बना देंगे। ओके, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन में देखिए
लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस जनन में दो भिन्न लिंगों वाले जीवों की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर लैंगिक जनन हो रहा है, इसमें एक जीव मेल है और दूसरा फीमेल है। देखिए और क्या लिखा है, इससे उत्पन्न शिशु अपने जनकों के समान नहीं होता है। तो देखिए ये मेल है ये फीमेल है, और इससे जो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न हुआ है क्या वो अपने समान है? नहीं। अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें, अगर ये मेल आपके पिताजी हैं और ये फीमेल आपकी माताजी हैं, तो आप कौन होंगे? उनके बच्चे होंगे। तो क्या आप अपने पिताजी और माताजी के समान दिख रहे हैं? आप बोलोगे नहीं, हम अपने मम्मी और पापा के समान अर्थात माताजी और पिताजी के एग्जैक्ट कॉपी नहीं हैं। मतलब जैसे हमारी मम्मी दिखती हैं, जैसे हमारे पापा दिखते हैं, हम वैसे नहीं दिखते, हम उनसे थोड़ा सा अलग दिखते हैं। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि इनसे उत्पन्न शिशु अपने जनकों के समान नहीं होते हैं। ओके, तो जो हमारा मेल है और जो फीमेल है उसमें होता है, मेल जो होता है वो स्पर्म बनाता है और जो फीमेल होता है वो एग बनाती है, और उनसे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बनता है। तो उसके बाद जायगोट में होता है माइटोसिस, डिवीजन, बहुत सारे सेल्स बनते हैं और हमारे बच्चे अर्थात ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो जाता है। और ये कौन सा रिप्रोडक्शन का तरीका है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, अगर आपने बेल आइकन को हिट किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।